Cause I just wanna go, go, go to the deep end. Techno Ruhez में आपका स्वागत है. आइए दोस्तों, आज का संडे बहुत ज्यादा स्पेशल है. आप सभी लोगों को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं यही दुआ करता हूं कि हम बस मिलजुल कर रहे, यूनिटी में रहे. मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूं. मतलब सब एक समान है, सारे मज़हब एक समान है, हमारे अलग अलग तरीके के कल्चर से, लैंग्वेजेस से. इंडिया एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जहां पर इतने सारे लैंग्वेज, इतने सारे लोग, इतने सारे कल्चर है जो कहीं नहीं है, और यही हमारे देश की खूबसूरती है. और बस इस खूबसूरती को हम बनाए रखेंगे, हम इस पर आँच नहीं आने देंगे. यही मेरी दुआ है और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बस अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मिलकर रहिए. और बहुत सारे सवाल हैं हमेशा की तरह दोस्तों, इस बार भी. अगर आपका नाम नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ. बस कोशिश करिए, #askus लगाइए, आपका सवाल मैं नेक्स्ट संडे ट्राई करूँगा, पिक करूँगा. और लाइक करिए दोस्तों, संडे संडे भी मुझे खूब सारे लाइक्स चाहिए होता है, तो लाइक करिए. पहला सवाल लेते हैं. साहिल अली बोलते हैं कि एक सजेशन है आपके लिए. मुझे वो सजेशन दे रहे हैं कि आउटडोर भी टेक्नोस दिया करिए, और साथ में उन्होंने अल्ट्रा लेजेंड डांस की खूब तारीफ करी है. देखिए, डांस वांस तो हम ऐसी मजाक मस्ती में कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको बस हंसाने के लिए, क्योंकि क्या करें. मैं चाहता हूँ कि मेरी टेक्नोस थोड़ी एंटरटेन हो, मतलब एंटरटेनिंग हो, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, बोर ना हो. क्योंकि न्यूज़ देते वक्त पता है ना, सुनते वक्त लोगों को बोर फील होता है, हम थोड़ा बहुत करते. और अगर आपने जो सजेशन दिया वो उस पर हम काम करेंगे. कोविड की वजह से मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा. मैं जिस इलाके में रहता हूँ उससे अगर मुझे कहीं जाके शूट करना हो तो वो बहुत दूर है, मुंबई. और ऐसी लोकेशन जहाँ पर शांति से मैं शूट करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो ये प्रॉब्लम है, वरना तो हम ज़रूर करते हैं. टेक्नोलॉजी ज्ञान मनोज, ना तेरे को छोड़ूंगा नहीं. मैं आ रहा हूँ दिल्ली, थोड़े दिन में प्लान कर रहा हूँ दिल्ली आने का, कोलैब करने की सोच रहा था मैं. और पहला तेरे से कोलैब करेगा, और मैं चैलेंज करता है. मेरा लेजेंडरी डांस तो तूने किया नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था. अब मैं तेरे को लेजेंडरी डांस के लिए चैलेंज करेगा, साथ में तेरे स्टूडियो में मैं करेगा, और तू भी करके दिखाना मेरे को. फिर तू ये बोलना, नहीं लगा रहा हैशटैग तो क्या कर लेगा, फिर बोलना. अर्का प्रवा चक्रवर्ती, अर्का प्रवा, अच्छा नाम यार आपका बहुत. डू यू थिंक दैट ब्रांड्स लाइक लावा, इंटेक्स, कार्बन कैन मेक अ कमबैक इन इंडियन मार्केट? देखिए भाई, हम तो बड़े होप्स हमेशा लगा के रखते हैं. अब ये लोग कुछ नहीं करते तो हम फोर्स तो नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी को नहीं बोल सकते ना कि भाई तो लॉन्च कर, फिर जल्दबाजी में कुछ भी हो जाता है. एटलीस्ट माइक्रोमैक्स ने एक अच्छा कदम उठाया और अच्छे फोन्स लॉन्च कर रहा है, तो एक तो कुछ अच्छा कर रहा है, चलो हम उसको सपोर्ट करते, उसको आगे बढ़ाएंगे. अब ये लोग सोए तो उनको सोने दो, फिर वही हमारा दिमाग घूमता है, वो मेरा वो डायलॉग आप बाहर आता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता. टॉक्स ऑफ टेक बोलते हैं, नेक्स्ट शेविंग चैलेंज कब होने वाला है? नहीं भाई, नहीं जाने दो, एक बार कोशिश किया था, अच्छा हुआ मुझे लाइक्स कम मिले, 50,000 हो जाते तो फिर तो मैं एकदम नंगा हो जाता. सीरियसली, हम जो लड़के होते ना हमारे, मतलब जिनको ज़्यादा शौक होता है बीएड का, एक बार वो निकाल देते तो पूरा नंगा फील होता है. हाँ, वैसे ही लगता है, लेकिन खैर, नो प्लान्स फॉर शेविंग चैलेंज. ध्रुव मैक्स 5G, क्या बात है. उन्होंने बोला है कि क्या फ्यूचर में हमें स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड में भी 90 Hz या 120 Hz वाले डिस्प्लेस मिलेंगे? वाई नॉट, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई तो भाई कुछ भी हो सकता है. क्या पता ऐसे स्मार्ट वॉच आ जाए जिसमें 120 Hz वाले डिस्प्ले हो, और फिटनेस बैंड में 90 Hz वाले. अरे भाई, कुछ भी हो सकता है. अब तो अभिषेक, आपने स्प्लिट क्यों किया यार? अभिषेक पूरा जोड़ दीजिए, अच्छा लगता है ये अभिषेक. एनीथिंग स्पेशल वीडियो ऑन जियोफोन नेक्स्ट? देखिए, कुछ स्पेशल तो नहीं होगा, पर और ना ही कुछ एक्सक्लूसिव होगा. देखिए, मैं उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ. मिल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, फोर्स नहीं करता हूँ मैं किसी को कि यार मेरे को दे दो यार, उसको मत दो, उसको मत दो. नहीं, करेंगे, मिलके करेंगे, एम्बार्गो जो रहेगा वो सेट होगा, उस पर ही करेंगे. लेकिन हाँ, वीडियो तो आएगा. हमने बात कर लिया है जियो वालों से, उन्होंने बोला है कि सितंबर की फर्स्ट वीक में हो जाएगा काम, तो वेट करते हैं और फिर तगड़ी अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगी. मोहम्मद निज़ाम ने पूछा है, 55,000 की इनकी बजट है, 1+8 Pro, 1+9 ROG 5 और iPhone 11. अब सबकी रिक्वायरमेंट्स इसमें, मतलब सबकी जो क्या बोलते हैं, खासियत अलग अलग है. iPhone 11 पूरा के पूरा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, मैं पहले वही रेकमेंड करूँगा. लेकिन उसके बाद अगर एंड्रॉयड की बात करूँ तो मैं आपसे ऑनेस्टली कहूँ तो ROG फ़ोन 5 ट्राई कीजिएगा. कैमरा अगर मेन प्रायोरिटी नहीं है तो ये फ़ोन सुपर फास्ट है, तो आप इसको चेकआउट करिए. 1+9 मतलब वो तो फ्लॉप हो गया. मुझे 1+9 सीरीज पसंद नहीं है, इनफैक्ट नॉट टू अच्छा, वो ले लो, थोड़े पैसे बच जाएंगे. हाँ, मैं यही कहूँगा. खुशहाल शर्मा बोल रहे हैं कि उनको एक नया फ़ोन परचेस करना है, 10,000 की रेंज है, अभी परचेस करें या थोड़ा रुक जाइए. रेडमी 10 सीरीज आ रही है, पहले उनको खूब जांच पड़ताल कर लीजिए, देख लीजिए आपको कैसा लगता है. रियलमी का भी कुछ आ रहा है, तो हाँ, वेट करिए, थोड़ा टाइम में आपको सब पता चलेगा. राकेश बर्मन बोलते हैं कि आपकी पास कितने स्मार्टफोन्स हैं? मैं तो पर्सनली ओप्पो फाइंड एक्स 2 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, मे बी ये शायद चेंज हो जाएगा, Z Fold 3 वगैरह पर शायद मैं स्विच कर सकता हूँ.
मे बी क्या पता इस साल जो आईफोन 13 आ रहा है उन पर स्विच कर दूँ, लेकिन एनीवेज मेरे पास एक फ़ोन है, मेरी वाइफ के पास एक है, डैडी के पास दो है, देखो डैडी फुल थग लाइफ मोड में, मम्मी के पास एक है, मेरे भाई रजमान के पास शायद दो है, एक पर्सनल रात में यूज़ करता है वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए, एक दिन भर यूज़ करता है, मेरे भतीजों के पास अलग अलग फ़ोन, इनफैक्ट मेरी बेटी जो है मेरे दोनों सैमसंग के टैबलेट उसके पास ही रहते हैं, मेरी वाइफ का भी टैब है मेरा भी टैब है, वो खुद ही यूज़ करती है, तो मतलब मैं सबसे सीधा हो गया इसमें। हाँ लेकिन वैसे कबर्ड है हमारा, उसमें बहुत सारे फ़ोन्स है, अब वो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, बहुत बहुत सारे फ़ोन्स हैं, मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ। पीयूष बोरोले बोलते हैं कि 10,000 वाला एमोलेड डिस्प्ले या 70,000 वाला एमोलेड डिस्प्ले में क्या डिफरेंस है? देखिए जो प्रीमियम फोन्स होते हैं उनमें ऑब्वियसली डिस्प्ले एमोलेड होता है, लेकिन E3, E4 कैटेगरी वाले होते हैं, फिर उनकी ब्राइटनेस थोड़ी डिफरेंट होती है, 1300 निट्स 1200 निट्स तक चले जाती है, ज़्यादा हाई रिफ्रेश रेट होती है, उसके अलावा कलर का जो बोलते हैं ना ऑप्टिमाइजेशन होता है वो थोड़ा और बेटर होता है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब जाके वो एक प्रीमियम फोन में आता है। बजट में इतना नहीं होता है, सिर्फ एमोलेड होता है और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, हाई रिफ्रेश रेट नहीं होती, 60 हर्ट्ज होता है कभी कभी, इनफैक्ट शाओमी दे रहा है हमें पता है 120 हर्ट्ज दे रहा है, इनफैक्ट सैमसंग भी दे रहा है 90 हर्ट्ज तक, कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्रीमियम फोन्स होते हैं उनमें महंगाई होती है तो फिर डिस्प्ले भी उस क्वालिटी का मिलता है। पर आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मुझे इस पर सोचना पड़ेगा। शर्मा जी, मुझे लगा शर्मा जी टेक्निकल आ गए। एनीवेज पोको F3 GT अगर ले लो तो उसमें एड्स की किस तरह के आते हैं? होम स्क्रीन पर भी एड शो हो जाता है क्या? या देखिए मैं अभी इसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ, इसलिए मैं मतलब काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, वक्त से आपको बढ़िया लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा आफ्टर 40-45 डेज। अभी तक जब से ये फ़ोन मैंने यूज़ किया हो मुझे कोई एड्स नहीं आया, मानो या ना मानो मुझे तो फेस नहीं करना पड़ा। हाँ बस कुछ ऐसी चीज़ें नोटिफिकेशंस में आ जाते हैं, वैसे तो वो सारे फोन्स दूसरे फोन्स में भी आते हैं, लेकिन होम स्क्रीन पर यूज़ करते करते व्हाट्सअप पर अचानक ऐड आ गया, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं वहाँ पर बड़ा ऐड आ गया, वैसे कुछ नहीं है, नहीं इतना भी चीप नहीं है, तो मुझे तो नहीं आया, लेकिन एनीवेज देखते हैं, मैं फुल रिव्यू करूँगा उसका, आप इंतज़ार करना। कौशिक बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल बंद कर दो रुहेज भाई, तो मोबाइल के अंदर आ, नहीं नहीं तो अंदर अंदर अंदर, ज्योति दास बोलते हैं कि भैया मी पैड 5 का स्टाइलस क्या प्राइस कितना होगा और इंडिया में हम सबको कब तक देखने मिले? अरे भाई पहले मी पैड 5 को तो आने दो, उसके बाद स्टाइलस की बात करो। आना तो चाहिए, जैसे कि मी मिक्स 4 को वो लोग लेके आएंगे, लिमिटेड एडिशन बन के आएगा, शायद ये भी आ सकता है, देखिए आ सकता है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रियलमी पैड आ रहा है ना, तो ये लोग अपना मी पैड 5 भी लाएंगे, देखिए गट फीलिंग मेरा बोलता है तो आएगा और अच्छी प्राइस पर आया तो मजा आएगा। गौरव नथानी बोलते हैं कि कैसे है रुहेज भाई, योर न्यू सेटअप लुक्स ग्रेट, थैंक यू भाई। क्या लगता है आपको सैमसंग S21 फाइनल एडिशन 5G कब तक लॉन्च होगा? सितंबर अक्टूबर में भी शायद मुझे लगता है, पर लीक तो हो गया था इंस्टाग्राम पर, उनके कोई गलती से किसी ने फोटो डाल दिया था, बाद में डिलीट भी कर दिया, तो हाँ आ सकता है, एक दो महीने में हमें कुछ पता चलेगा। युवराज सोनी बोलते हैं कि मोटो एज लाइट वर्जन है क्या वो 117,000 होगा और ज़्यादा आप अपने नेक्स्ट डिवाइस क्या चूज़ करोगे? वैसे तो दो सवाल है, पहला तो आपको बता दो आई एम नॉट श्योर उसकी क्या प्राइस होगी, जो मोटो एज लाइट है मोटो एच 20 लाइट होगा वो बेसिकली, वो इंडिया के अंदर H20 फ्यूजन नाम से आएगा, तो आई एम नॉट श्योर 20-21,000-22,000 की रेंज का हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें है, मे बी वो लोग ऐसे रखेंगे प्राइस। और नेक्स्ट फोन आई विल चूज Z Fold 3 एज ऑफ नाउ, वैसे ही मैंने सोचा। अमर कुमार चैन ने इंटरेस्टिंग सवाल किया है कि भाई रियलमी का 33 वॉट चार्जर है, रेडमी का भी है 33 वॉट सेम है, लेकिन 5000 mAh बैटरी फोन को रियलमी जल्दी चार्ज कैसे कर लेता है? ओप्पो का वुक चार्जर याद है, सबसे बेस्ट चार्जर मैं बोल सकता हूँ सारे फोन्स के अंदर है, और यही सेम चार्जर रियलमी वाले यूज़ करते हैं, बस नाम चेंज हो गया, डार्ट सुपर डार्ट वगैरह, और इनके चार्जिंग के अंदर बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी है, सबसे फास्टेस्ट और स्टेबल चार्जर मैं इनको बोलता हूँ, इसीलिए इस वजह से जो है ये रियलमी वाले जो यूज़ करते हैं वो बहुत फास्ट चार्ज होता है। मैंने प्रीवियसली भी बहुत सारे फ़ोन्स में ये नोटिस किया हो कि ओप्पो के जो चार्जर है वोक वाले ये कमाल का काम करते हैं, मतलब हाँ ये भी एक रीज़न हो सकता है। यस वैम्पायर, मेरा खून मत चूसना भाई। हाँ रुहेज भाई एंड्रॉयड 12 कब से एक्सपीरियंस करने को मिलेगा? सितंबर से मे बी, हाँ ज़्यादातर तो सितंबर से ही होगा, अभी बाद में ये आई थिंक बीटा चल रहा है, डेवलपर चल रहा है, पता नहीं क्या, स्टेबल आ जाएगा थोड़े एक महीने की बात है, धीरे धीरे सारे फोन्स में आपके मिल जाएगा। लोकर्स रेड्डी, रुहेज भाई नमस्कार, नमस्कार, डू यू लव टॉलीवुड मूवीज और सॉन्ग्स? मूवीज सॉन्ग्स मैं नहीं, अपने बॉलीवुड के सुन लेता हूँ क्योंकि वो समझ में आ जाते हैं, इसलिए कभी कभी हॉलीवुड के ज़्यादा अगर मैं अपने आपको इंग्लिश मैन समझने लगता हूँ तो थोड़े बहुत हॉलीवुड के सुन लेता हूँ, बाकी टॉलीवुड मूवीज तो देखता हूँ, अगर हिंदी डब होती तो मैं देख लेता हूँ। अनस वारसी बोलते हैं कि भाई मीडियाटेक 1200 प्रोसेसर और स्नैपड्रैगन 778 इनमें से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है?
1200 डायमंड से 1200 थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है ऑब्वियसली, और 778 भी बहुत अच्छा है, स्लाइटली लाइटर वर्जन आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है, थीके? ऐसा भी नहीं कि वो इतना तो इतना नहीं, नहीं थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं, मुझे पता है। और मोटरोला के फ़ोन का वेट करूँ या आईकू जी थ्री ले लूँ? वेट कर लीजिए, वेट करना बेटर है, फिर उसके बाद पता चला आपने जी थ्री लिया फिर बुला रहे मैं वेट कर लेता तो अच्छा होता था, और वो पछतावा बाद में नहीं होगा। मोहम्मद सुफियान बोलते हैं कि वैसे इनका सवाल लंबा है, मैं आपको छोटे में समझाता हूँ। ये पूछ रहे कि अगर मैं कोई फ़ोन लॉन्च से पहले मेरे पास जब आ जाता है, फिर मैं नीचे जाता हूँ आउटडोर शूट के लिए, कभी फोटोज़ लेने के लिए, और इनकेस कभी किसी ने देखा है क्या ऐसा और मुझसे कुछ सवाल किया है क्या? हाँ, या कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड वाले देख लेते, पूछ लेते यार ये कौन सा फ़ोन है आपके हाथ में, कभी कोई शॉप वाले मेरे फ्रेंड है, एक बार वो देख लिया था, पूछा था कि कौन सा फ़ोन है, मुझे उसे बताना पड़ा। तो कितने बार तो ऐसा हुआ कि मेरे रिश्तेदार जो है वो उनको पता चल जाता है, और एक बार तो ऐसा भी होता है कि मेरे कज़िन उसको पता चल गया कि आया देखा वो फोटो खींच रहा, मतलब भाई मत खींच फोटो, भले तू नहीं डालेगा यूट्यूब पर तो नहीं है लेकिन फिर भी मत खींच। तो हाँ थोड़ा डर लगता है हमको, लेकिन ऐसा हुआ है पर अच्छा भी लगता है उनको कोई चीज़ बताने के लिए जो लॉन्च भी नहीं हुआ है। तो ये दोस्तों आपके सवाल थे, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और मुझे अफसोस होता है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं और आपके साथ इंटरेक्शन करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे दोस्तों हर संडे आता रहूँगा आपके लिए, सवाल के जवाब देता रहूँगा ऑनेस्टी से, और आप लोग लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।